हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेनी मॉम्स फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये दशहरा वाले दिन का वीडियो है, दशहरा वाले दिन का ब्लॉग आज मैं लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए। आई नो ये बहुत लेट हो रहा है, बट बहुत दिनों से मुझे टाइम नहीं मिला था, मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया है, तो आज मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ आप लोगों के लिए। सुबह सुबह ये और मम्मी जी गए हैं गंगा स्नान के लिए, राम गंगा नहाने सुबह ही निकल गए थे, और जब आएंगे तो हमें हॉस्पिटल जाना है। देखिए, जब ये गंगा स्नान से लौट कर आए, फिर खाना वाना खा के उसके बाद हम शिवांश को लेके हॉस्पिटल आ गए हैं शिवांश के चेकअप के लिए। हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आधा दिन हमारा निकल ही चुका है। 12 बजे हम आए हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और हमें तो एक दो जगह हॉस्पिटल में कई जगह जाना है शिवांश के चेकअप के लिए। तो इस चक्कर में आज का पूरा दिन हमारा हॉस्पिटल में ही गुजरने वाला है। ये शिवांश खड़ा है और आप लोग देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ। देखिए, ये हम मेडिकल की तरफ खड़े हैं जहाँ पर मेडिकल पोर्शन है दवा लेने के लिए, तो दवा लेने के लिए ही बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पर। तो हेलो, आज शिवांश और शिवांश के पापा सामने प्लॉट में है, तो मैं भी जा रही हूँ वहीं प्लॉट में। चलिए लेके चलती हूँ आप लोगों को। आज ना हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो हम लोग बहुत थक गए हॉस्पिटल में बैठे बैठे, और फिर आकर हम लोग सो गए थे। तो अब शाम का 5 बजा है, हम लोग आ गए प्लॉट में। शिवांश, हम आ गए। देखिए, जब मैं आप लोगों को पहले दिखाया था तो यहाँ गेट नहीं लगा था, अब इसमें गेट लग गया है, ये जाली वाला। आ जाए ना। हाँ। आ गए, गेट बंद कर लो ना। ओके, हो गया बंद। तो हम आ गए हैं, ये देखिए गेट बन गया है। ये कैसे हो, खाद वाला ही दिया है लग रहा है, कैसे दिया है ये इतना ही था कट्टे हैं। तो शिवांश पापा, ये यहाँ क्यों डाला है इसे? एक जगह पे डालो ना, तभी उसमें मिट्टी में मिक्स कर दे रहे हैं ना, फिर खाद बन जाएगी। ये देखिए, हमने प्लांट के लिए खाद बनाने के लिए भैंस का गोबर मंगाया था। ये जहाँ से हमारा दूध आता है, तो दूध यही दे, मतलब उसी से बोल दिया था, उसी ने कट्टे में भर दिया था, तो ये उठा लाए थे। देख लीजिए, अभी मैं मिट्टी में मिक्स कर दूंगी, तो ये फिर खाद बन जाएगा एक दो दिन में। तो चलिए, जैकी को, अच्छा जैकी आ गया। जैकी, तो आज ना हम लोग अपने पेड़ से आम तोड़ेंगे, जो ये पेड़ है प्लॉट में, आम के दो पेड़ हैं, उन्हीं से आम तोड़ेंगे। और ये देखिए, आम टूट चुके हैं, ये रहे अपने पेड़ के आम, पके हुए हैं सारे आम ये। तो ये अपने पेड़ के आम हैं, दिखने में छोटे हैं बट मीठे बहुत हैं ये, तो आम टूट गए हैं। चलिए, और देखिए अब हो गई है शाम, बज रहा है शाम का 7, और मैं किचन में आ गई हूँ शाम के लिए खाना बनाने। तो कोई किसी का नहीं होता इतनी गर्मी में, देखिए कोई हेल्प नहीं करता है, तो मेरा वेट आ गया है मेरी हेल्प करने। और शिवांश मेरी हेल्प डेली ही करता है, कितनी भी गर्मी हो मैं उसे किचन से भगाती रहती हूँ, जा किचन से जा बाहर, बट वो नहीं जाता है, रोज़ 2 रोटी बनाने के बाद ही बाहर जाता है, 2 रोटी बनाता है बिल्कुल मेरी तरह देख कर, और उसके बाद वो 2 रोटी अपने जैकी को खिला देता है, और उसके बाद ही किचन से बाहर निकलता है। चलो बनाते हैं मिलकर। कैसे कहते हैं, चलो मिलके बनाए। अरे मम्मा देखी है, अच्छी बन गई। ये देखिए, शिवांश की 2 रोटी बन गई हैं, 2 ही रोटी बनाता है, तो 2 रोटी बन गई हैं उसकी। अब देखिए सफाई कर रहा है, और उसके बाद ये 2 रोटी सिकवा के ले जाएगा, जैकी को खिला देगा। तो डेली ही शिवांश मेरी हेल्प करता है ऐसे। और आप लोग, मैं जब भी खाना बनाती हूँ, चाहे रोटी बनाऊँ, चाहे पूड़ी बनाऊँ या पराठे बनाऊँ, मैं हमेशा पहले लोई बनाकर तैयार कर लेती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इससे आसानी रहती है, लोई उठाई फटाफट बनाई और बेली और बनाने लगे, तो मैं पहले लोई बना के रख लेती हूँ। मम्मी जी मना भी करती हैं, मम्मी तो कहती हैं ये क्या होता है, पहले लोई बना के रख लेती हूँ, बट मैं पहले लोई बना के रख लेती हूँ। तो ये रहा, अब शिवांश लेके जा रहा है अपनी 2 रोटी।
जैकी को खिलाने। क्विक क्विक, बस ये रहा हमारा आज का ब्लॉग। ब्लॉग को ढेर सारा प्यार, बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। जैकी खाना खा लो, खिला दो, खिलाने डाल दो, नीचे डाल दो।